हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग घर का खाना। हैशटैग घर के खाने में आज हम बनाएंगे मस्त मसाला गोभी मोमोज। मस्त मसाला गोभी मोमोज बनाने के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो है ग्रेटेड गोभी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, अदरक, मिर्च, प्याज और लहसुन। हम अदरक, प्याज, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लेंगे और एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए तेल को रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा यूज़ नहीं करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऊपर से थोड़ी सी बनारसी राई डाल देंगे। बनारसी राई जब चटकने लगे तो उसमें बनाए हुए पेस्ट में से 2 चम्मच हम प्याज के पेस्ट को डालेंगे और जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। जब प्याज हमारा तेल छोड़ने लगेगा तो हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मिला करके मिक्स करेंगे और जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें ग्रेट करी हुई गोभी और हरे प्याज के पत्ते मिला देंगे। हमें मसालों को भूनते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम लगातार इसे चलाते रहें क्योंकि हमने तेल की बहुत ही कम मात्रा यूज़ करी है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो मसाला तली में पकड़ लेगा और जल जाएगा। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऑलरेडी कटी हुई हरी प्याज को मिलाएंगे और इसे भी एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गोभी को ग्रेट करने के लिए हमने एक गोभी के फूल को लिया था और बड़े कद्दूकस से हमने उसे ग्रेट कर लिया था। हमने केवल फूल को ग्रेट किया था, डंठल हमने छोड़ दी थी। आप भी इसी तरह से गोभी को ग्रेट कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम ढक करके पकाएंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसे 10 से 15 मिनट पकाना है। एक बार हम इसे खोल करके चलाएंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर जब तक गोभी हमारी अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। गोभी हम पकने के लिए रख दे रहे हैं। अब हम मोमोज का आटा सेट कर लें। हमने नॉर्मल गेहूं के आटे में नमक मिलाया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके रोटी के जैसा मुलायम आटा ही हमें सेट करना है। अच्छी तरह से मसलते हुए और मुखिया लगाते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम गोभी को हाई फ्लेम पर कुछ देर तक खुले में चला के और जो भी इसमें बचा हुआ पानी है इसे हम सुखा लेंगे। अब हम एक गैस पे छोटे से भगोने में पानी रखेंगे और उस पर चलने रख के उसे गर्म होने के लिए रख देंगे और आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने लोइयां तैयार कर ली है। अब हम इन्हें बहुत ही पतला बेलेंगे। ध्यान रहे कि इन्हें हल्के हाथों से पतला ही बेलना है। मोटे बेलने पर मोमोज हमारे कच्चे रह जाएंगे तो इसीलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके चारों तरफ से बराबर पतला हम इन्हें रोल कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी मिक्सचर को या अपने फिलिंग को इन पे फैला देंगे इस तरह से जैसे हम गुजिये में भरते हैं और इन्हें हम फोल्ड करके अपनी उंगलियों से इनके साइड को इस तरह से दबाएंगे जैसे कि हमारे साइड्स चिपक जाए। अब मोमोज को उठा करके और दोनों तरफ से ला करके इस तरह से सेंटर में हम इसे भी चिपका देंगे और इसी तरह से हम सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चलनी के ऊपर थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे और एक एक करके हम उस पर मोमोज को सजा देंगे।
मोमोज को रखने के बाद किसी एक ऐसे बर्तन से ढकेंगे कि जिससे मोमोज हमारे फूटने ना पाए। पंद्रह से बीस मिनट तक हाई फ्लेम पर हम मोमोज को पकाएंगे और 15 से 20 मिनट के बाद में हम मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक दोबारा हम मोमोज को पकाएंगे। ये देखिए मोमोज हमारे अपने एस्टीमेट टाइम में पक चुके हैं। अब हम एक चाकू से या किसी भी टूथपिक से इसमें डाल के देखेंगे, अगर आटा लग रहा है तो मोमोज कच्चा है। देखिए आटे नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब कि मोमोज हमारा पक चुका है। अब हम मोमोज का मस्त मसाला तैयार करते हैं। हमने सेम कढ़ाई में फिर से थोड़ा से फ्राई में लहसुन अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट था उसे डाला, जो बचा हुआ हमारा पेस्ट था, और इसे भी हम तेल छोड़ने तक भूनेंगे। और जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो इसमें हम दो बड़े टमाटर की प्यूरी मिला देंगे। इस टमाटर की प्यूरी को भी मिला करके हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। ध्यान रहे कि हमेशा मसालों को हम तेल से ही मेजर करेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक मिलाएंगे। दोबारा से भी हम मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए तो हम इसमें अपने पहले से तैयार करे हुए मोमोज को वन बाय वन डालेंगे और उन्हें अच्छे से हम मसालों में लपेटेंगे। ध्यान रहे जब भी आप मोमोज को मसालों में लपेट रहे हैं तो हड़बड़ी ना करें, पेशेंस के साथ में इन्हें धीरे धीरे आप पलटें जिससे कि हमारे मोमोज फूटने ना पाए। हमने मोमोज चला लिया है और अब बचे हुए मोमोज को भी डाल करके इन्हें भी इसी तरह से हम मसालों में लपेट लेंगे। मसालों में लपेटने के बाद कुछ देर तक इन्हें मीडियम फ्लेम पर गैस पे चढ़ा रहने दें और मसालों में पकने दें जिससे कि मसाले अंदर तक रिस जाए। दस से 15 मिनट हो चुका है, मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल करके सर्व करेंगे। तो आप भी बनाइए घर पे ऐसे ही मस्त मसाला गोभी मोमोज और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।